7. Two wires are kept tight between the same pairs of sports. दो वायर्स हैं यानी सेम स्पोर्ट्स के बीच में है, तो इसका मतलब क्या, लेंथ सेम है, एल जो है वो क्या सेम है। टेंशन जारिंग द रेशियो टी वन अपॉन टी टू जो है वो टू अपॉन वन की रेशियो है। रेडियस की जो रेशियो है वो टू अपॉन वन है, और नहीं थ्री अपॉन वन है, और जो डेंसिटीज की रेशियो है रो वन अपॉन रो टू वो वन अपॉन टू की रेशियो है। हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की रेशियो बतानी है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, वन अपॉन टू है टी अपॉन म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ। मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ अपॉन लेंथ, ये लिखा जा सकता है। तो इसके बराबर होगा वन अपॉन टू एल टी म्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, रो इनटू ए। ठीक है, अब हमें फ्रिक्वेंसी रही, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसीज की रेशियो निकालनी है। लेंथ सेम है तो न्यू वन अपॉन न्यू टू, या न्यू पहले वाले का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वन अपॉन टू एल टी, ये से कितना दुगना है, जो टी वन है वो टी टू से दुगने की फॉर्म ही कर लेते हैं, ये उससे कितना दुगना है तो टू। और रेडियस, रेडियस को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। डेंसिटी की जो रेशियो है वो कितना, वन बाई टू है। इसकी जो रेशियो है वो कितना हो, थ्री टाइम्स है, थ्री का स्क्वायर है अंडर द रूट, रेशियो ये होगी। टेंशन जो है दुगना है तो दो आ जाएगा। रेडियस जो है थ्री टाइम्स है तो थ्री का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई और एल जो है कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है। डेंसिटी जो है वन बाई टू है तो वन बाई टू आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फोर अपॉन नाइन अंडर द रूट टू अपॉन थ्री। जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज की जो रेशियो होंगी वो क्या होंगी, टू बाई थ्री होंगी। या आप इसके साथ दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, करना हो तो कैसे करना हो वैसे करो, वन अपॉन टू एल टी वन अपॉन रो वन पाई आर वन का स्क्वायर अंडर दी रूट अपॉन टू एल टी टू अपॉन रो टू पाई आर टू का स्क्वायर। शॉर्टकट करना हो तो ये कर सकते थे आप, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। टी वन, टी वन को टू टी टू पुट कर दो तो ऊपर आ जाएगा टू टी टू। रो वन को वन बाय टू रो टू पुट कर दो, और आर वन को थ्री आर टू नाइन आर आर टू का स्क्वायर पुट कर दो, अपॉन नीचे जो है टी टू अपॉन रो टू इंटू आर टू का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, टी टू से टी टू कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो वापस वही क्या आएगा, टू बाई थ्री आएगा। ठीक है,